हमारे बंकू की हत्या इसलिए की कि उसने हमारे खेत का पानी पिया। हमने बहुत सारे गलत काम किए, लेकिन क्या क्षमा मांगने से लोग हमें सच में क्षमा कर देंगे? खंडोबा तेरे सुहाग की रक्षा कर। शांति, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है ना? अब चिंता मत करो, मैं यहाँ से ज्यादा ससुराल में खुश रहूंगी। नहीं खंडो जी, मुल्के का बाप सर झुका कर नहीं, सर उठा कर बात करता है। शांता काकी, मुक्ता का ख्याल रखना और उसे कहना कि हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। सावित्री चली गई। सावित्री अपने बाबा को छोड़कर चली गई। अब अपने बाबा से इतने सवाल कौन करेगा? अपने बाबा के पीछे अगर कौन छुपेगा? बाबा की पगड़ी लगकर कौन देगा? अपने आजी को परेशान कौन करेगा? सावित्री, खंडोबा माझ्या लेकीला खुश जाइए। आप ऐसे कमजोर पड़ेंगे तो मेरा कौन ख्याल रखेगा? सोचा आपने? मेरी सावित्री, सावित्री सावित्री गई है तो जैसे मेरी शक्ति चली गई है। मैं बहुत कमजोर हो गया हूं लक्ष्मी, बहुत कमजोर हो गया हूं। सच में लगी सच कहा आपने। नौ साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। कितने खूबसूरत थे ना वो नौ साल, और अब पूरा घर एकदम वीराना सा लग रहा है। अभी सावित्री आ जाएगी और जोर से चिल्लाएगी, आई चलो ना मेरे साथ खेलने चलो। आई तुम कितना काम करते हो, चलो ना। चिंता मत करो, मैं यहाँ से ज्यादा ससुराल में खुश रहूंगी। बाबा भले ही मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन आपने दी हुई शिक्षा
और प्यार हमेशा मेरे साथ रहे। लक्ष्मी, लक्ष्मी, सावित्री, तू मुझे यहां चुप कराने आई थी, खुद ही रो पड़ी। क्या करूं पाटिल, माँ का दिन है ना, कभी भी रो पड़ता है। पर पाटिल, आप तो पिता है ना, आप तो रोक सकते हैं ना अपने आप को। लक्ष्मी, बेटी के विदाई पर पिता का दिल भी तो रोता ही है। राजा जनक जैसे ज्ञानी सीता की विदाई पर रो पड़े तो हम तो साधारण लोग। मेरी सावित्री आज चली गई, क्या करें, समाज की रीत जो है, लड़की पराया धन होती है। खंडोबा, ए खंडोबा, खंडोबा, मेरे सावित्री को उसके ससुराल में बहुत खुश रखना, उसके हिस्से के हर एक दुख मुझे दे देना। पर मेरी सावित्री, मैंने जाना तो हमारी सावित्री बहुत खुश रहेगी। पाटिल, पाटिल, रोना बंद कीजिए। सिद्धू, सिद्धू जी, सिद्धू बाड़ा, कहाँ गया ये लड़का? ए सिद्धू, एक काम थी क्या तंग करने के लिए जो इसने भी शरारत शुरू कर दी? सिद्धू, ए सिद्धू, कहाँ चला गया ये? आई, क्या हुआ? तू अंदर बैठ के तेरी मुलगी के लिए आंसू बहा। यहाँ पे तेरा मुलगा गायब है लेकिन तुझे कोई फिक्र नहीं है। कहाँ चला गया ये सिद्धू? अरे खेल रहा होगा वो कहीं। सब जगह पे ढूंढ लिया मैंने, कहीं पे भी नहीं है वो। एवर सिद्धू, पता नहीं कहाँ चला गया ये सिद्धू। क्या हुआ पाटिल? अरे शिवा, पता नहीं सिद्धू कहाँ चला गया, क्या तुमने देखा उसे? जब मैं बैलगाड़ी में मिठाई के घड़े रख रहा था ना, तब उन्हें देखा था। लेकिन उसके बाद उन्हें नहीं देखा। अरे देवा, खंडो, कहीं अपना सिद्धू वो मिठाई के बैलगाड़ी में बैठकर सावित्री का ससुराल पुणे तो नहीं चला गया ना? अरे पूरे पुणे में के लड़कियों की कमी थी जो शगुना इसे ना हो गया इसलिए आई। इससे बेहतर तो तेरी मुलगी है। मेरी मिश्री के साथ ये जोड़ी कितनी सुंदर लगती ज्योति। हो अरे, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है इनकी जोड़ी। विवाह के समय ना सभी अच्छे ही दिखते हैं। वो तो है, जब पुजारी जी मुझे लेकर आए थे ना साथ में तो पूरे मोहल्ले में हमारी चर्चा थी।
आप दोनों की जोड़ी के चर्चे तो पूरे पुणे में थे। लेकिन ज्योति और सावित्री की जोड़ी तो पूरे पुणे का इतिहास बदल के रख देगी। सही बात। अरे भाई, सब लोग बातें ही करते रहेंगे या वर वधू का स्वागत भी होगा। अरे लाइए किसी को। सगुना, क्षमा करिएगा पंडित जी, तैयारी में थोड़ी सी देर हो गई। सावित्री, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। भाई, ऐसा लगता है जैसे ज्योति के साथ हूबहू विद्या की देवी सरस्वती यहाँ पर आ गई हो। माफ कीजिएगा, स्त्री सरस्वती का नहीं लक्ष्मी का रूप होती है। भाई आप ही लोगों में तो वो कहावत है ना, कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। पुजारी जी, गफ्फार मियां को तो मजाक करने की आदत है। सावित्री, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अब आप दोनों घर में प्रवेश करो। आओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। वधू तो वर से भी तेज है। गोविंद राव जी, जी लीजिए, आपके पुत्र का विवाह संपन्न हुआ। हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी आपके पुत्र के विवाह में, अब आप भी कसर मत छोड़िएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अजरम, गोविंद राव अब तो खुश हो ना भाई। हाँ बहुत खुश, सब कुछ अच्छे से हो गया और समझे भी अच्छे मिले। और देखा आप लोगों ने, बहू की तारीफ भी हो रही थी। भाई अपनी इस खुशी में ज्योति की खुशी का भी जरा ख्याल रखना। भाई वादा किया है तुमने उससे, वो उसकी पढ़ाई के सिलसिले में। हाँ भूल मत जाना उसको। आप भूलने देंगे तब ना। अच्छा भाई अब हमें इजाजत। जी काका, हम भी जाते हैं। चल रहा है। लोग सही कहते हैं,
शादी के समय पे मुलगा कैसे हंसते खेलते जाता है। और वापस आते समय उदास होता है। देखो हमारे ज्योति को कितना मुरझा गया है। अरे क्यों मामा, क्यों डरा रही हो मुलगे को? खुशी का माहौल है, खुश रहने दे। अरे देखो कितने सारे उपहार लेके आए। इन्हें देख के तो मुरझा हुआ चेहरा भी खिल जाए। सबको सामान की कितनी चिंता है और साथ आई स्त्री की किसी को भी परवाह नहीं। बड़े ही लगन और श्रद्धा से विवाह किया है मुलगी के बाबा ने। साज और सामान बड़े अच्छे से दिया है। हाँ, एक ही तो बेटी है उनको। किसी को चार पांच बेटियां ना उनको पूछो। मैंने देखो, मैंने अपनी मिश्री के लिए कोल्हापुर से मंगाई है पैठनी। हाँ, उसका भाग्य उसे कहाँ लेके जाता है वही देखना है। बस बहू के गुण अच्छे होने चाहिए। बहू स्वर्गुणी हो तो कोई भी साज सामान कुछ भी धूल के बराबर होता है। बात तो ठीक कही आपने, पर मुझे लगता है बहू के साथ हमारे गुण भी अच्छे होने चाहिए। अगर हम बहू के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो बहू भी हमारे साथ अच्छा ही बर्ताव करेगी। अगर हम अच्छा बर्ताव करेंगे तो बाकी सब भी अच्छा ही बर्ताव करेंगे। लेकिन बहू वो होती है जो हमारे बुरे बर्ताव पर भी अच्छा बर्ताव करे। अरे वाह, इसका मतलब जिद भी आपकी और पट भी। बिल्कुल, आखिर सास है हम। मुझे प्यास लगी है। अरे देवा, बातों बातों में तो मैं जलपान के लिए पूछना ही भूल गई। अभी लाती हूँ। ये क्या, ये तो लड़के मुंह की खुली लग रही है। आते ही इसने सबके सामने पानी मांग लिया। अब आगे क्या करेगी? जैसा करेगी वैसा भरेगी। देवा देवा देवा, ये कैसी मुलगी है? अपने पति को अपना झूठा पिला रही है। अभी आए हुए से इतनी सी देर हुई है और ये सब कर रही है। ना जाने आगे क्या कुछ करेगी। हाँ। क्या होगा, सबको अपना झूठन खिलाएगी और क्या। अब समझ में आया, तभी इसके बाबा ने इतना सारा सामान भेजा है। अरे ये सब उसकी गलतियां छुपाने के लिए भेजा है और क्या। नहीं ताई, सावित्री तो बच्ची है, अभी अभी तो घर में आई है। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हाँ, धीरे धीरे तो ये सब सीख ही जाएगी।
पर ये अपने माता पिता के घर से सीख के आती ना तो काफी अच्छा होता। तो ये मत सोच कि हम जानबूझ के तेरी बहू की शिकायत कर रहे, बस यही कोई ऊंच नीच हो जाती, कुछ बात व्यवहार में हो जाता तो हमसे रहा नहीं जाता। बस और कोई बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं टोक रही तुझे, बस दिल पे मत लेना इस बात को। कोई बात नहीं था, बच्चे तो बुजुर्गों से ही सीखते हैं ना। अच्छा ही किया कि आपने टोक दिया। सावित्री, पति को अपना झूठा नहीं पिलाते। मुझे पता नहीं था। मुझे लगा वो भी प्यासे होंगे। कोई बात नहीं, तुमने बहुत सही किया, सही सोचा। पति पूजनीय होता है ना, इसीलिए पत्नी उसे अपना झूठा नहीं दे सकती। आखिर क्यों पति पूजनीय होते हैं? आप लोग बहुत थक गए रहोगे ना, चलो चलकर आराम कर लो। चलो। लगता है मिनिस्टर ने आज फिर से धोखा दे दिया तुम्हें। हाँ काका, वो मिनिस्टर एक वीक के लिए दिल्ली गया है। मैं तो चाहता हूँ वो मिनिस्टर दिल्ली में ही रहे और अपना पॉलिटिक्स खेले। लाइए अपना पैर बाहर कीजिए। अरे नहीं, तुम्हें मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है।